तो यार क्या हाल चाल आप सभी का। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, चौकस होंगे जहाँ पे भी होंगे। तो आज का कुछ प्लान ऐसा बन रहा है कि हमने जाना है 34, तो मोटो व्लॉगिंग करते हुए चलते हैं 34। आप सभी के लिए प्रो टिप सबसे बढ़िया, अगर आपने मोटो व्लॉगिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी साफ़ करके रखनी होती है। अगर आप कहीं जाते हैं तो मेन आपकी बाइक है, तो अपनी बाइक को सबसे सेट रखें बिल्कुल टाइम टू टाइम। ये प्रो टिप थी आप सभी के लिए, और नहीं भी फॉलो करोगे तो यार घर वालों की गालियां सुन सुन के करना ही पड़ जाएगा। और अभी हम आसमान की ऊंचाइयों पे जाते हुए, और यार सबसे बड़ी बात यार आज धूप निकली हुई है पर मौसम में बहुत ठंड है यार, मतलब हवा ठंडी चल रही है। जब वो हवा लग रही है ना पता चल रहा है तन बदन में आग लग रही है, आग नहीं ठंड लग रही है, ठंड तो सब सही है यार अभी तक तो। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट और पहुँचते 34। काउंटडाउन शुरू चलो। पर यार सारी बातें एक तरफ, अपनी बाइक वापस से चलाने की फील जो होती है ना वो मज़ा ही अलग आ रहा है यार। ये बाइक यार मेरा प्यार है, 7 दिन बाद अपनी बाइक चलाई है, बहुत खुशी सी हो रही है यार। जो यार बाइक से ज़्यादा प्यार करते होंगे उनको पता लग रहा हो यार, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि अपनी बाइक कैसी होती है, मतलब फील कितनी अच्छी मिलती है जब अपनी बाइक चलाते हैं, खुशी तो वो चीज़ है यार। लोग कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है ना उनसे थोड़े टाइम के लिए प्यार रहता है, जो कि सही बात है। जब यार मैं कॉलेज में था तो सबके पास अपने व्हीकल्स थे, और मैं उस टाइम पे ऑटो में आता था कॉलेज, तो यार उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि अगर मेरे पास बाइक हो तो एक ही हो, वो भी बुलेट हो। और जब मैं जॉब पे लगा उसके लगने के 3 या 4 मंथ्स बाद मैंने ये बाइक परचेज कर ली थी, तो यार वो जो फीलिंग थी ना उस टाइम की और अब की फीलिंग में बहुत फ़र्क है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यार मैं इसकी केयर नहीं करूँगा, बहुत केयर है यार, प्यार है अपना। यहाँ से 32, ये 32, 33 और आगे 20 आएगा, 20 से हम लेंगे लेफ्ट और उसके बाद सामने आएगा 34, तो अभी वहाँ पे चलेंगे 34, 34, तो चलते हैं फटाफट। तो यार एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि चंडीगढ़ में ना पेशेंस अच्छे खास हैं बंदों में, लाइक सामने से जैसे अभी कोई बंदा निकल रहा हो तो साइड दे देते हैं, रैदर की कहीं और जाते हैं ना खुद निकलने की कोशिश करते हैं बंदे, यहाँ पे साइड दे देते हैं, ये चीज़ सही बात है। दूसरी अच्छी बात ग्रीनरी, यार आप देख रहे हो हर रोड पे पेड़ ही पेड़ हैं, जो कि इस जगह को बहुत ही अच्छा बना देती हैं। गर्मियों में ना अगर कोई बंदा पैदल चल रहा हो तो उसको गर्मी फील नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि पेड़ जो है ना उसकी छांव के नीचे आराम से चल सकता है बंदा, जैसे चलने के लिए बनाया हुआ है रोड, तो यहाँ पे यार बंदे आराम से गर्मी में बहुत आराम से चल सकते हैं, जिसकी वजह से इन पेड़ों की वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, जो कि सही बात है। तो अब यहाँ से अंदर लेना था हमने, हाँ मैं सोचा मैंने सीधा जाना है तो गियर ही डाउन कर दिया था मैंने, तो एक गुरुद्वारा साहिब 20 का और नाके लगे हुए हैं भाई अच्छे खासे, देखो चलान कट रहे हैं। ये आपको पता है 20 की मार्केट, लैपटॉप मार्केट, डील्स अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे यार, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही है। तो अभी हम 34 आ चुके हैं और यहाँ से लेना हमने लेफ्ट, बाकी भाई को जगह पता कौन सी साइड, इस साइड चलते हैं। अब भाई रास्ता बताएंगे जो पीछे बैठे हैं हमारे, तो सबसे पहले यार यहाँ पे करते हैं पार्किंग, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पे, पर हमें एक जगह पता है जहाँ पे हम फ्री फंड में कर सकते हैं पार्किंग। यहाँ से जाएंगे हम लेफ्ट। तो यार यहाँ पे मैं पहले आया करता था जब मैं कॉलेज में था, मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था 8th, वो मैंने यहीं पे कंप्लीट करा। ऊप्स इन्फो सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने अपनी जो फील्ड थी 8th सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट बना के दिया था कॉलेज वालों को। दादा यहाँ पे एक कोने में जूस कॉर्नर है बोरा, वहाँ पे जूस पिया करते थे हम सारे, थे के रवि और संजय यहीं पे हुआ करते थे हम सारे। ये हमारा पिकाडली स्क्वायर यार, बोरा सामने पिकाडली स्क्वायर, यहाँ पे हम वार्निंग मूवी देखने आए थे अगर आपको याद हो यहाँ पे। तो सबसे पहले अब करते हैं पार्किंग, ये मिल गया हमें पार्किंग, चलो पार्क करी गाड़ी और अब चलते हैं जहाँ जाना है मंजिल पे। तो लॉक कर दिया बाइक, पहले चेक करते हैं, चेक भी है डन, और अब चलते हैं यार। अब 34 घूम रहे हैं, काम हो चुका है अपना, वो कल रिजल्ट मिल जाएगा जो भी था काम, तो
अभी घर चलते हैं, नहीं अभी पहले थोड़ी देर घूमते हैं यहाँ पे। 34 बहुत दिनों बाद आए हैं, खाएंगे पियेंगे आज करेंगे। थोड़ा खाएंगे यार, शेक देखते हैं, शेक पीते हैं जहाँ पे पहले पीता था मैं। और यार मेरा इंस्टीट्यूट ना जो था जहाँ पे मैं पढ़ता था वो यहीं पे बैक साइड ही था, यहाँ पे बैक साइड, तो यहाँ पे आता था मैं। रवि के होते थे साथ में, सारे होते थे, तो अभी यहाँ से पीते हैं जूस। बड़े दिनों बाद आप यार आते ही नहीं यहाँ पे दुकान भैया तो यहीं पे होते हैं, तो यार भैया ने पहचान ही लिया और हालत भी बड़ी माड़ी हो रखी है अपनी। तो भैया दो शेक बना दो बनाना, वही कैंट वाले, चीनी मत गिरना। अभी भैया के पास बनाना शेक पीते हैं और भैया पहचान गए यार, हैरानी वाली बात है। तो अभी शेक पीते हुए टेस्टी बनावा यार, पुरानी वाली यादें ताजा होगी। तो यार अब ये कुछ ऐसा 34, यहाँ पे यार बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, मतलब आपको SSC के भी मिल जाएंगे, आपको जो कोचिंग होगी SSC की भी मिल जाएगी यहाँ पे, IT की भी मिल जाएगी, वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट सारी, और जो फोटोशॉप है उनकी भी अच्छे से मिल जाएगी यहाँ पे कोचिंग। पर यार बंदे थोड़े सही होने चाहिए यहाँ पे, मतलब जो आपको पढ़ा रहे हो वो सही होने चाहिए बंदे। तो अभी हमारी बाइक वो खड़ी, तो चलते हैं अपनी बाइक पर। पहले यार पीछे से हटानी पड़ेगी बाइक के, तो जो एक्टिवाज हैं वो सब की हटानी पड़ेगी पहले, तो पहले ये हटाते हैं। कहाँ से? अरे कोई ना, ये हटा देते ना, तो ये हटाते हैं सबसे पहले। तो अब निकालते हैं, हटो भाईजान। तो आज का 34 आने का मोटो ये था कि भाई ने एक पेमेंट करी थी 34 में, वो इसने दो सॉफ्टवेयर सीखने थे, अडोब इलस्ट्रेटर और फिगमा, आई थिंक हाँ फिगमा ही था। तो इन दोनों की पेमेंट उसने कर दी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो दे दी थी, और भाई ने स्विच कर दिया, मतलब कहीं और लग गया अब, तो वो पेमेंट रिफंड करवाने आए हुए थे। तो अब वो कह रहे हैं कि कल आपको कॉल करके बता देंगे, तो अब कल फिर, कल तो शायद कॉल भी हो जाएगा सारा कुछ, तो कल शायद मुझे ना आना पड़े। और यार ये देखो 34 का मेला, बहुत जो कि बहुत मशहूर है। पहले ये मेला इस साइड लगता था यार, इस साइड, पर अब इस साइड लगा हुआ है। और ये 34 की मार्केट, ये फर्नीचर मार्केट है, अगर आपको कुछ भी लेना हो यहाँ से फर्नीचर का तो यहाँ से मिल सकता है आपको। बाकी एक और है यार 6 फेस में भी है, 6 फेस में आपको फर्नीचर मार्केट मिल जाएगी वहाँ पे भी, तो वहाँ से भी अगर परचेज़ करना हो कुछ वहाँ से भी कर सकते हो, तो ये भी सेम ही है। अभी हम खड़े हैं 34 की लाइट्स पर, इंतज़ार करते हुए हरी बत्ती का। अभी तो अब 33 आ चुके हैं, यहाँ पे यार एक टेरेस गार्डन है, टेरेस गार्डन करके है, वो मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा। तो इस साइड आपको टेरेस गार्डन मिल जाएगा, टेरेस ही कहेंगे यार, टेरेस ही है शायद ये रहा। और यार ये बहुत अच्छा पार्क है, वो देखो अगर दिख रहा हो आपको गोप्रो में, ये है। तो यार बहुत अच्छा व्यू है इसका, और कभी अगर आना चाहो तो आ सकते हो। मोटो व्लॉगिंग का एक फायदा यार, बंदे इतने ज़्यादा ना रिकॉग्नाइज नहीं करते, लोग सिर्फ ना ये देखते हैं कि आगे कैमरा लगा हुआ है, अच्छा ठीक है, ऑन है ऑफ है उनको कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, चल रहा हूँ बिल्कुल सही तरीके से, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत आती नहीं मुझे। अगर फ़ोन निकाल के व्लॉगिंग करता हूँ तो थोड़ा यार बंदे देखने लग जाते हैं, बट उसमें भी यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है कौन नहीं। अगर मुझे गोप्रो से करनी होती है तो मैं गोप्रो से मोटो व्लॉगिंग कर लेता हूँ, और अगर मुझे वैसे नॉर्मल भी व्लॉगिंग करनी होती है वो भी मैं पहले गोप्रो से ही कर लेता था, तो मुझे ऐसा सच कुछ इतना वो नहीं होता कि हाँ लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ। तो ठीक है अब फटाफट घर चलते हैं, और शेक पी रखा है तो ज़्यादा भूख लग नहीं रही, तो घर चलते हैं अभी। तो यार आज मैंने सिनेमैटिक शॉट्स कुछ ज़्यादा लिए नहीं, सिनेमैटिक तो यार मैंने कुछ बनाया ही नहीं आज, बस काम था छोटा सा वो कंप्लीट करके आके वापस। और यार ये चीज़ अच्छी हो रही है, पेंटिंग डेंटिंग है ना, सही है, होनी चाहिए यार, चंडीगढ़ बहुत सुंदर जगह है और इसकी सुंदरता हम जैसे लोग ही बनाते हैं।
अच्छा यार, भीड़ भी तो है, भीड़ को कैसे भूल सकते हैं। पर ये कुछ भी नहीं है, भीड़ नॉर्मल है। अरे वाह, चलान कटने के डर से, अरे साइकिल पे कौन काटता है चलान। अभी एक छोटा सा काम हो रहा है, अभी हमने 47 जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मा का जो नी है वो पेन हो रहा है। तो अभी वहाँ पे देखता हूँ, अगर डॉक्टर आ गया होगा तो मम्मी को घर से लेके आ जाऊँगा, भाई को छोड़ के आ जाऊँगा घर, या पापा लेके चल जाएंगे मम्मा को डॉक्टर के पास, और मैं थोड़ा काम कर लूँगा ऑफिस का। और पुलिस वाले अपना काम बेहतरीन तरीके से करते हुए, अब यार पुलिस वालों को कोई टेंशन ही नहीं रही चलान चलून की। भाई ओवर स्पीडिंग, चलो भाई आ जाएंगे अपने आप ही चलान। पुलिस वाले बस अब उनको पकड़ रहे होते हैं जो मतलब ज़्यादा हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे कोई बिना हेलमेट के घूम रहा हो उनका थोड़ा सीन पड़ जाएगा, बाकी तो और कुछ नहीं। सिंपल रोड्स पे तो बहुत कम नाके लगने लग गए। ओ यार एक्सीडेंट हुआ इधर, आंट जी ज़्यादा लगी, ठीक है। पानी पूनी पीना आंट जी। ओहो यार, एक तो ये एक्सीडेंट पीना काम खराब कर देते हैं, थोड़ा अवेयर होकर चला करो यार जो भी है। और डॉक्टर की दुकान खुली हुई है वहाँ पे, जाना है उनके पास, चलना भी कि बाइक पार्क करूँ, है बाइक पार्क करूँ, बाइक पार्क करूँ, नंबर लगवा लेते हैं, चला अब डॉक्टर के पास चलते पहले। तो यार वो जो स्लिप हुए थे उनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, मैंने तभी पूछ लिया था। तो यार अब सीन कुछ ये है कि डॉक्टर का नंबर जल्दी लग जाएगा, मम्मी को बस पिक एंड ड्रॉप करना है डॉक्टर के पास। ज़्यादा भीड़ थी नहीं, दीदी को बोल दिया था मैंने कि मम्मा को दिखाना है चेकअप के लिए, तो बस अब तो भाई फ्री है आज थोड़े टाइम के लिए, भाई ले जाएगा फिर। तो अभी बस यहाँ पे वेट करते हैं लाइट्स का। बाकी यार पीओवी में यार सारा इंक्लूड हो जाता है, देखो मतलब जैसे हाथ भी आ जाते हैं, है ना, तो ये चीज़ सही लगती है। तो यार टाइम 12:50 हो रखे हैं, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है यार। और रब करे जड़ा है बंदा सही सलामत बच जाए। चलो यार अंदर मुंडा था, चलो ये फायदा होता है यार अपनी गाड़ी का, कंट्रोल में रहती है, मतलब पता होता है कि किस टाइम पे कितनी ब्रेक लगानी है, फैमिलियर टाइप होते हैं अपनी अगर व्हीकल होती है पहले से ही पता लग जाते हैं और जज हो जाता है बड़ी आराम से। और अगर किसी दूसरे की चलाती है तो ब्रेक मारते हैं यहाँ पे लगती, वो आगे वाली साइड जाके है, तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बाकी मैं अब घर पहुँचता हूँ फटाफट फटाफट, यार जितना टाइम लगेगा उतने भी जाएंगे ना यार, क्या फालतू भाई यार बातें कर रहा होता हूँ यार मैं। सतनाम श्री भाई, तो अब हम ज़्यादा दूर नहीं है घर से, बस वही 100-200 मीटर दूर है, पहुंच चुके हैं जहाँ तक। ये अपनी छोटी सी प्यारी सी मिनी मार्केट, ये एक सब्सक्राइबर ये यार बंदा हर वीडियो पे कमेंट करता है मेरी, हर वीडियो पे।
तो फाइनली घर पहुंचते हुए अब वो रे मम्मा मम्मा को लेके जाएगा भाई और मैं जाऊंगा घर। ये ले भाई, ध्यान से जियो। चल भाई, तो चलो यार अब मैं चलता हूँ घर। अब भाई मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाएगा और मैं तब तक थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको।